नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स में लाइन एंड एंगल्स चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। और अब फर्स्ट एंगल जो छूटा हुआ है, कंप्लीमेंट्री एंगल। डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल इज इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 degree, देन दैट एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ये आपका कंप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने लिखा एग्जाम्पल, आपका 30 degree है तो दूसरा आपका कितना हो जाएगा 60 degree। 30 और 60 का सम कितना होगा 90। तो ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द, कोई स्टूडेंट यहाँ पे माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज पुट ऑफ योर माइक्रोफोन। आप बात कर रहे हो तो मेरे पास आवाज आ रही है, प्लीज पुट ऑफ योर माइक्रोफोन। तो मैं आपको बता रहा था कि आपसे अगर ये पूछा जाए 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो कैसे बताओगे, 90 से 30 माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और अगर मैं आपसे पूछूंगा 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल बताओ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। चूंकि आप 90 में से 30 माइनस कर दोगे तो आपका 60 आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई भी एंगल आपसे पूछते हैं कि उसका कंप्लीमेंट्री बताओ तो आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देना है, 90 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो भी आएगा वही आंसर होगा। इसके बाद दूसरा है आपका, नेक्स्ट वन इज सभी स्टूडेंट्स फोन पुट ऑफ कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज आ रही है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स ऑन करके रखे थे, मैंने ऑफ कर दिया है, अभी आप माइक्रोफोन ऑन नहीं करेंगे नहीं तो आपकी आवाज मेरे पास आ रही है और सभी बच्चे आप ही की बातों को सुन रहे हैं। तो कोई भी माइक्रोफोन ऑन नहीं करेंगे, अगर कुछ पूछना है तभी करना है। तो और वो भी आपको बाद में करना है, बाद में आप ध्यान रखिए कि आपको क्या पूछना है, तो माइक्रोफोन बाद में आप ऑन कर लीजिए और पूछ लीजिए, या मैं आपसे पूछूंगा तब आप आंसर दीजिए। तो इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 degree, देन दैट एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन हो गया। अगर इसका एग्जाम्पल हम आपको बताएं तो एग्जाम्पल हो जाएगा, एक एंगल मैंने आपको दे दिया 110 degree, तो दूसरा आपका इसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा 70 degree। तो ये कंप्लीमेंट्री सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। अगर आपसे कोई पूछेगा
कि 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो कैसे बताओगे? 180 डिग्री से 70 डिग्री माइनस कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। हम आपसे पूछते हैं, बताइए अच्छा ध्यान से, 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर। तो आप लोग क्या करना है, 180 डिग्री से जो भी पूछे वो माइनस कर देना है, तो तुरंत आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सही एकदम आंसर दिया। चलिए अब नेक्स्ट आपका एंगल है, वो एंगल है आपका एडजेसेंट एंगल। यस, हाँ, मैं आप अभी बताते हैं, फिर पूछिएगा, जब ये क्लियर हो जाए तब बताना कि क्या होता है। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, टू एंगल्स, इसमें केवल टू एंगल्स ही होते हैं, और उसका डेफिनेशन क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, तो किस तरह से आपको करना है और किस तरह से उसको डिफाइन करना है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से करना है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, टू एंगल्स हैविंग ए, टू एंगल्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म बट नो कॉमन आर्म नो कॉमन आर्म की जगह आप लिखिए इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैंने डेफिनेशन लिख दिया। अब डेफिनेशन लिखने के बाद इसे आप ध्यान से समझिए कि कैसे होगा। आप देखिए, मैंने एक एंगल बना दिया, दिस इज ए रे, दिस इज द फर्स्ट रे, मैंने यहाँ पे फर्स्ट रे बना दी, ओके, एंड दिस इज द इनिशियल पॉइंट ओ। इसके बाद मैंने एक रे और ड्रॉ कर दी, ये मान लीजिए ओ ए रे है और ये ओ बी रे है, ठीक है। और इसके बाद एक थर्ड हमने रे और ड्रॉ कर दी, ये मान लीजिए, यस, दिस इज द एडजेसेंट एंगल। इसमें आप देखेंगे दिस इज द कॉमन वर्टेक्स, ये आपका जो ओ है ओ इज द कॉमन वर्टेक्स, और यहाँ पे ये दो एंगल हो गए, ये फर्स्ट एंगल हो गया और ये आपका एंगल नंबर टू हो गया। और इस एंगल वन और टू में आप देखिए, दिस इज ओ बी इज द कॉमन रे, और रे को ही क्या कहते हैं, आर्म, जो मैंने यहां लिखा ना कॉमन आर्म। यस, तो ओ बी इज द कॉमन आर्म। क्यों कॉमन आर्म है? बिकॉज ओ बी इज इन द एंगल नंबर वन, और जब एंगल नंबर टू बन रहा है तो उसमें भी ओ बी आ रही है, तो एंगल टू में भी ओ बी इंक्लूड है और एंगल ए में भी ओ बी इंक्लूड है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कॉमन आर्म, ठीक है। और इसके साथ लिखा है कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स आर कॉल्ड नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स, और यहाँ पे देखिए इंटीरियर में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, तो ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। कोई भी दो एंगल बना दो, उसमें ये रे कॉमन होनी चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। अब आप लास्ट वाला क्या है, आइडेंटिफाई आप यहां से ही देख के कर लोगे, देखोगे कि दो एंगल है, यस, इसमें कॉमन आर्म है, यस, और कोई इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है, इसका मतलब,
क्वेश्चन में अभी आएगा तब हम आपको बता देंगे, ठीक है? अभी तो आप ये समझ लो कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक है? तो वहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा, ये बताओ कि एडजेसेंट एंगल के नेम, राइट द नेम ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल एओबी एंड एंगल बीओसी, दीज आर टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है? अब नेक्स्ट वन है आपका लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है? इफ टू एडजेसेंट एंगल्स, इफ देयर आउटर आर्म्स आर अपोजिट रे, देन दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो क्या मतलब हुआ इसका? जो एडजेसेंट एंगल है इसमें ये आउटर आर्म्स बोले जाएंगे, आउटर मींस बाहर की तरफ। तो ये अगर आर्म्स अपोजिट हो जाए, मींस ये वाला रे इधर आ जाए, तो ये तुरंत लीनियर पेयर हो जाएगा। डायग्राम बना के दिखाएं, देखिए ये आपका है, ओके अभी ठीक करते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो दो रे मैंने दो एंगल बना दिया, ध्यान से देखिए, जो आपका एडजेसेंट एंगल था, एडजेसेंट एंगल में इस ओसी को हमने अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया, स्ट्रेट लाइन बना दिया। व्हेन इट इज स्ट्रेट देन यू कैन से दैट एंगल वन एंड एंगल टू आर लीनियर पेयर। और यहाँ पे एक कंडीशन और होता है, द सम ऑफ एंगल वन एंड टू ऑलवेज 180 डिग्री। एंगल वन प्लस एंगल, इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है, इस चीज को याद रखिए। तो ये जो है लीनियर, हाँ दोनों आर्म्स 180 डिग्री बना रहे हैं, आउटर आर्म्स, इनको आउटर आर्म्स, हाँ एकदम सही बताया। और कॉमन आर्म्स ये वाला जो है ना ओबी, ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको इस डायरेक्शन भी कर सकते हैं, तो ये इन दो आर्म के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर। और यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, इसमें ऐसे पूछा जाएगा, इन इफ देयर आर टू एंगल्स आर लीनियर पेयर एंड वन एंगल इज 60 डिग्री, देन टेल अबाउट द सेकेंड एंगल। आपसे कह दिया दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं, हाँ एकदम आंसर सही, तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो 180 से इसको भी माइनस करना है, तो 180 से माइनस कर देंगे तो तुरंत आपका आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है? तो यहाँ पे इसका सम हमेशा याद रखना है, ये सम के रूप में ही यूज होता है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इन दो एंगल, एंगल वन और एंगल टू का सम 180 लिखना होगा, तो आपको दूसरा एंगल अपने आप पता चल जाएगा, एक दिया जाएगा दूसरा पता चल जाएगा कि कितना होगा। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन, अब आपके सारे एंगल्स हो गए। अब यस नाउ एक्सरसाइज 5.2। अब आप देखिए कि 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या है और किस तरह से आप उनका सॉल्यूशन करेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा है, और थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। दीज आर द एंगल्स, आपने पढ़ लिए अभी, फोर एंगल्स पढ़े, इसमें सबसे पहला कंप्लीमेंट्री, दूसरा एंगल सप्लीमेंट्री और तीसरा एंगल एडजेसेंट। और आइए देखते हैं, सो हियर इज, लेट अस, टू लाइंस आर पैरेलल, ये दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं, दिस इज लेट लाइन एल एंड दिस इज द एम, एंड ए थर्ड लाइन इंटरसेक्ट दीज टू लाइंस, दिस इज पी,
ये लाइन पी है। तो आप देखो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन के तैयार हो गए। इसका नाम हम लिखते हैं एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर। एंगल फोर की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं फाइव, और यहाँ पे लिखते हैं सेवन। ध्यान देना मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, अभी बताता हूँ। एंगल वन इधर हो गया, एंगल टू इधर, थ्री दिस वन इज एंगल फोर, एंगल फोर इसके बाद एंगल ये आपका हो जाएगा सिक्स, और ये आपका हो गया एट। इतने सारे एंगल बन के तैयार हो गए। तो ये एंगल का नाम है, ध्यान से समझना कि क्या होगा। एंगल थ्री फोर फाइव सिक्स ये दो लाइन के बीच में बन रहे, अंदर में बन रहे, इसीलिए इसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। देखना ये आपका हो गया इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स आपके हो जाएंगे कौन कौन से, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव एंड इतने एंगल्स। एकदम सही बताया आपने, एक्सटीरियर। यस करेक्ट। तो वन टू सेवन एंड एट दीज आर एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद अभी और भी बचा है थोड़ा सा, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, जहां पर आपका ये जेड जैसा सिंबल बन जाए, तो ये एंगल आपके अल्टरनेट होते हैं। जेड अगर अल्फाबेट लेटर जेड की तरह आपको कहीं भी मिलता है, उसमें ये कहा जाएगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये एंगल्स एंगल वन और एंगल टू अल्टरनेट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जेड जैसा सिंबल बन, यस थ्री एंड फाइव, तो आपका थ्री एंड एंगल थ्री एंड एंगल फाइव, एंगल थ्री एंड एंगल फाइव। इसी तरह से एक और आप देखिए, ये भी जेड जैसा सिंबल बन रहा है, मींस आप देखेंगे यहाँ पे फोर और सिक्स, एंगल फोर एंड एंगल सिक्स, ये भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। हाँ उल्टा जेड है, लेकिन यहाँ भी वही चीज होगा कि ये आपका इस तरह के अगर होता है, जैसे मैंने ये बनाया है, तो अगर ये इस तरह से आपको मिल जाता है, तो ये एंगल भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी होता है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फाइव होगा, एंड और एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ये देखिए वन है, और इधर आप देखेंगे आके ये वन। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कैसे बताओगे, ये टू और एट, ये टू है और ये एट है, इधर वन और इधर आपका कौन सा। इसके बाद आपका बचा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स और थोड़ा सा बचा है, उसको भी समझ लीजिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ ओके ओके, अभी सही हो जाएगी। हाँ अल्टरनेट इंटीरियर, हाँ इसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और फिर करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसा होता है इसको समझिए ध्यान से, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखो ये एंगल वन लाइन एल के ऊपर है, और यहाँ पे एंगल फाइव ये दूसरी लाइन के ऊपर है। तो ये दोनों एंगल्स आपके कौन कौन से एंगल होंगे, ध्यान से समझना। एंगल वन
ये इस लाइन के ऊपर है और एंगल 5 इस लाइन के ऊपर है, तो एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग होंगी। इसी तरह से आप देखो एंगल 4 इस लाइन के नीचे है और एंगल 8 इस लाइन के नीचे है, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगी। राइट हैंड में आ जाओ तो राइट हैंड में देखो ये एंगल 2 लाइन एल के ऊपर में है और आप देखो लाइन एम के ऊपर यहाँ पे एंगल 6 है, तो ये 2 और 6 भी करस्पॉन्डिंग होंगी। इसके साथ में 3 और 7 दोनों ही एंगल लाइन के नीचे हैं, तो इनको भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। ठीक है, मतलब जो एक ही जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ही ये आपके होते हैं। ये मैंने आपको बताया ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ही तो लिखा है ये 2, 8, 1 और 7। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स में यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, मैंने जो अभी अभी बताए, 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, दूसरा 4, हाँ बिल्कुल एंगल 4 एंड एंगल 8, और तीसरा यस 2 एंड एंगल 6, और आपका दूसरा हो जाए हाँ 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो ये सभी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं। मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, दूसरा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा, तीसरा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, और एंगल 7 होगा। करेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये एंगल 1, इसका मतलब ये होता है, ये क्यों ऐसा दिया जाता है, अगर मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, एंगल 1 30 डिग्री है, तो 5 भी 30 डिग्री होगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत लिखोगे एंगल 5 इक्वल टू 30। इसी तरह से आप देखो एंगल 4 कितना है, ये एंगल 4 मान लो आपको 120 दे दिया, तो एंगल 8 भी अपने आप यस राइट राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर एंगल 3 आपको 60 डिग्री दिया है, तो 7 भी इतना ही होगा राइट। और इसी तरह से यहाँ पे एंगल 6 और 2 भी सेम होंगे। अब लास्ट में एक ही चीज और बच गई है, वो भी पढ़ लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वो क्या होते हैं। देखो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ध्यान देना, इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये जो एंगल बनते हैं, दीज एंगल्स आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट, ये 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। इसी तरह इधर भी ये वर्टिकली अपोजिट, ये 3 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट होगा। हाँ हॉरिजेंटली नहीं होते हैं, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको कहते हो यही सही बात है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हॉरिजेंटली अपोजिट एंगल, और इनका वैल्यू इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 3 और कौन सा, 1 एंड 3 है ना, 1 एंड 3, हाँ 2 और 4 यस 2 एंगल, राइट राइट, एंगल 5 एंड एंगल 7 भी हो जाएगा, एंगल 5 एंड एंगल 7 यस, एंगल 6 एंड एंगल 8, ये सभी वर्टिकली अपोजिट होते हैं और इनका वैल्यू भी उतना ही होता है। मान लो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये अगर आपका 120 है, तो एंगल 8 भी 120 डिग्री ही होगा। तो ये सारे एंगल्स हो गए। अब चलिए पढ़ते हैं, यहां भी आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आया, हॉरिजेंटल यही होता है ना आपका, जैसे ये आपका है
तो ये अभी यहाँ वर्टिकली है तो ये आपका हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, है ना। इसमें वर्टिकल ज्यादा ध्यान देते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसको हम वर्टिकली ही मान लेते हैं, 2 एंड 4 इज वर्टिकली एंड 1 एंड 3 इज वर्टिकली। अब जब इस तरह का सिचुएशन आएगा तब हम इसे कह सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 इक्वल होगा, 2 और 4 इक्वल होगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट 5 और एंगल 3 और 1 हो ही गया, एंगल नेक्स्ट है 5 और 7 इक्वल, और एंगल 6 और 8 इक्वल होगा। तो ये सारे एंगल इक्वल्स होते हैं। अब आप यहां पर आपको दो लाइंस दिए हुए हैं, दिस इज लाइन ए एंड दिस इज लाइन बी, ए एंड बी, और इसके साथ दिस वन इज नेक्स्ट वन लाइन, ये एक लाइन दे रखी है और एक ये लाइन दी है। आफ्टर दैट व्हाट टू डू, ये दो लाइंस देने के बाद आपसे क्या क्या पूछा है चलिए देखते हैं उसको। हियर इज गिवन दैट 1 2 3 4, इस तरह से आपको दिया है। ये है आपका एंगल 1, ये है आपका 2 और ये है 5, दिस इज 6, और इधर आपको दो एंगल दिए हैं 4 3 4, दिस वन इज 3 दिस वन इज 4 एंड हियर इज दिस 7 एंड 8, ये दिया हुआ है। अब पहला पार्ट में आपसे क्वेश्चन किया गया, फर्स्ट पार्ट डायग्राम देने के बाद पहला पार्ट ए, दैट इज फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए, इफ ए बी पैरेलल टू बी, ए पैरेलल टू बी, अगर ए और बी पैरेलल है तो आपसे पूछा देन एंगल 1 इक्वल टू, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। सही एकदम। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बतानी है कि ये अल्टरनेट है, राइट, योर आंसर इज राइट। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग एंगल लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है, यहाँ लिख देना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे मैंने लिखा है। अब सेकेंड पार्ट में आपसे क्वेश्चन किया गया, पार्ट नंबर 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। तो यहां पे देखो एंगल 4 और इक्वल है तो आपको ये कहा गया देन ए पैरेलल टू बी। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हमेशा याद रखो कि अगर ये कौन से एंगल होंगे, 4 और 6 बताओ कौन से एंगल है। यस, दैट मींस अल्टरनेट। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तभी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अगर ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होगा तो ये लाइन पैरेलल नहीं हो सकती। लेकिन उसने कहा ये एंगल इक्वल है और ये लाइन भी पैरेलल है, तो आप तुरंत लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट में कहा गया है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल टू बी। अब यह चीज मैंने आपको अभी बताई नहीं थी और ये चीज इसने पूछ ली, ये कह रहा है कि एंगल 4 और एंगल 5, याद रखो ये आपकी लाइन कौन सी लाइन बताई जाएगी, ट्रांसवर्सल। हमने पढ़ाया था कल कि अगर दो पैर एक लाइन थर्ड इंटरसेक्ट करती है तो वो पैरेलल लाइन, वो ट्रांसवर्सल होती है, ठीक है। यस हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये ट्रांसवर्सल जो लाइन है इसके सेम साइड में, मींस अगर यहां पर एंगल 1 और एंगल 2
दोनों लेफ्ट साइड में हैं, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 ये राइट हैंड में है, तो इसका भी सम 180 डिग्री होगा। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सेम साइड सम ऑफ एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। यस, तो अब ये रीजन यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे लिखेंगे कि पैरेलल है और ये 180 है, तो क्यों है, तो आप लिखोगे सम ऑफ एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एकदम सही। तो ये इसका आंसर हो गया, बस इतना ही लिखना था, ठीक है। इसी तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, बहुत सारे क्या, ज्यादा नहीं दिए हैं, कुल मिला के 6 ही क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन में बस ऐसे ही पूछा गया, ये डायग्राम इसलिए दिया गया है और आपसे पूछा है ये एंगल 30 डिग्री है तो ये बताओ कितना होगा, है कि नहीं। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सभी क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करिएगा, और मैंने गूगल क्लासरूम पे आपको ये वर्क भेज दिया है, तो आप वहां से उसका सोल्यूशन भी देख सकते हो, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, अब क्लास का टाइम ओवर हो गया, चूंकि आपका एक क्लास का टाइम 11:45 पे ओवर होता है और अभी 11:53 हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग ये क्लास का जो और क्वेश्चन है वो नेक्स्ट। हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।